जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूँ आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 26/11 मुंबई टेरिस अटैक वॉरियर सौरभ चक्रवाड़ी, 4-time आयरनमैन फिनिशर, मैराथन रनर और कोच। चलिए दोस्तों, आज मैं हूँ मुंबई में और ये है दोस्तों जियो गार्डन जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर मैं आया हूँ आज मुंबई हाफ मैराथन दौड़ने। बिब नंबर मेरा है 23784। प्यारे दोस्तों, इस रन को मैं पिछले 7 से 8 साल लगातार हो गए मुझे दौड़ते हुए, और बहुत ही मजेदार ये रन है। बहुत ही बेहतर तरीके से ये एनईबी जो है ये इसको ऑर्गेनाइज करती है, और इतना प्यारा मौसम है आज यहाँ का मुंबई का, क्योंकि थोड़ी ह्यूमिडिटी तो रहेगी लेकिन वेदर बड़ा कूल और बहुत बेहतरीन वेदर रहेगा। अभी यहाँ पे हल्की 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 बूंदे भी पड़ रही हैं, तो और मौसम के अंदर और यहाँ पे हल्कापन आ गया है, बहुत जो टेम्परेचर है कम हो गया। तो जो रन होगी कल, वो कोशिश करेंगे कि पिछले 1 साल में जो संघर्ष चल रहा है एंकल टूटने का, और उसमें कई सारी मैराथन भी की हैं लेकिन उनके जो टाइमिंग है बहुत ज्यादा खराब आए हैं इतने टाइमिंग मेरे आते नहीं है, लेकिन अभी कल की जो रन रहेगी मैं कोशिश करूंगा अच्छा अपना प्रदर्शन करूँ और बेहतर करूँ, क्योंकि अभी भी एंकल में स्वेलिंग है। और यहाँ का जो मैंने एक्सपो का जो वीडियो बनाया है आप सभी के लिए, आप उसको देखें और खुद को ऐसी मैराथन में यहाँ पर लेकर आए और बेहतर करें, क्योंकि इनमें आपके एज ग्रुप वाइज इसमें प्राइज मनी भी रहती है, तो आप यहाँ पर बेहतर कर सकते हो। और प्यारे दोस्तों, जो हमारी एक डॉक्टर के साथ में जो हुआ और जिन लोगों ने किया, मैं कहूंगा कि जो अपनी एनर्जी है, एनर्जी एक फॉर्म में है, उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, उस एनर्जी को ईगो में ना लेके जाएं, उस एनर्जी का गलत इस्तेमाल ना करें, उस एनर्जी से समाज का और अपना डैमेज ना करें, क्योंकि उससे आपका भी डैमेज होगा और समाज का तो डैमेज होगा ही होगा, क्योंकि जिन लोगों ने भी ऐसे कृत्य में शामिल हुए हैं उनका तो जीवन बर्बाद है ही है, उसके साथ साथ उनके परिवार भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, उनका उनके परिवार जनों का भी पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कभी भी गलत चीज के बारे में और गलत दिशा के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल ना करें। एनर्जी का इस्तेमाल करना है तो दुनिया के लिए, बेहतरी के लिए और अच्छा काम करने के लिए करें। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अच्छे काम में एक अपनी हेल्थ का ध्यान रखना और मैराथन रन करना, डेली रन करना, एक्सरसाइज करना भी एक अच्छा काम है, जिससे आप अपने आप को भी प्रेरित करेंगे प्लस आप अपने परिवार को भी प्रेरित करेंगे। तो कल मिलते हैं दोस्तों इसी गुड और अच्छी वाइब्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं मुंबई हाफ मैराथन के बिब के लिए। अब स्वागत के साथ साथ हम पहुंचे हैं ये जियो गार्डन में, जहां पर दिखाया हुआ है कि यहां पर आपके राइट लेफ्ट साइड में जो है बिब कलेक्शन है। ये वाधवा बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जियो गार्डन BKC का मेन हब है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए पूरे बोर्ड वगैरह सब लगे हुए हैं। यहाँ पर हम आ गए हैं दोस्तों रूट मैप के ऊपर। 21.1 किलोमीटर के लिए 2 लूप इसके लेने हैं और 10 किलोमीटर के लिए इसमें 1 लूप लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट से 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर घूमकर रोड जो है वो आपको पूरा मैप यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको इस रोड मैप के आधार पर ही, रूट मैप के आधार पर ही आपको रास्ते में वॉलेंटियर्स मिलेंगे, सब मिलेंगे। ये है दोस्तों 5 किलोमीटर का रूट, आप इस रूट को देख सकते हो। ये है दोस्तों 21.1 किलोमीटर के पेसर, अलग अलग डिस्टेंस के यहाँ पर पेसर आपको अवेलेबल हैं। ये बस टाइप की होती है, इनके साथ आप चल के अपने टाइमिंग को दोस्तों मीट कर सकते हैं। एम्बेसडर वॉल के ऊपर दोस्तों ये एम्बेसडर्स के फ़ोटो हैं, आप इनको देख सकते हो। ये आपको आसपास रनिंग करते हुए ज़रूर मिल जाएंगे। रेस डे पर है दोस्तों हमारी, 21.1 किलोमीटर शुरू होगी 5:05 पे और 10 किलोमीटर होगी 6:30। ये है दोस्तों इंक्वायरी काउंटर, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। ये है बिब वेरिफिकेशन, लोग यहाँ से जब बिब लेकर जाएंगे तो इसको ज़रूर वेरीफाई कराना चाहिए। ये हमारे मित्र वेरीफाई करा रहे हैं, उन्होंने पूछा हो गया, उन्होंने कहा कि हो गया है। यह है दोस्तों शिव नरेश का टी शर्ट्स का भंडार, यहाँ पर इन्होंने अपना एक्सपो लगाया हुआ है। और इस बार एक्सपो में ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा दुकानें नहीं लगी हैं, ये शिव नरेश का था। यहाँ पर हमने टी शर्ट विशर्ट का दुकान पूछा। यह है दोस्तों आपका जो
गेस्ट यहाँ पर जो आएंगे और पेसर्स मीटिंग के लिए जो आएंगे, यह है दोस्तों हमारा बिब कलेक्शन पॉइंट। ये आप देख सकते हो 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर, यह है 21.1 किलोमीटर का पॉइंट, और ये है प्यारे दोस्तों 10 किलोमीटर का, और फिर अगेन आप देखोगे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 21.1 किलोमीटर का, ये आपको पूरा का पूरा बिब कलेक्शन पॉइंट्स है। यहाँ पर सारे वॉलेंटियर्स काम करने पर लगे हुए हैं, सब एंटरटेन कर रहे हैं सबको, बिब जितना भी लोग रजिस्टर करते हैं। और दोस्त इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत, और कल दौड़ेंगे हम 21.1 किलोमीटर।